जय हिंद दोस्तों, आपके बीच रीजनिंग का नया चैप्टर जिसका नाम डाइस है। आप लोग के बीच आज इसका पहला लेक्चर क्लास चल रहा है, यानी बोला जाए तो कॉन्सेप्ट आज पहला चलेगा। यानी डाइस का ऐसा ऐसा क्लास मैक्सिमम 3 या 4 आएगा, जिसमें से क्लास 1 और क्लास 2 में सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा और क्लास 3 और क्लास 4 में आपको जितना भी SSC की उठाता है प्रश्न आपको डाइस से, वो सारा प्रश्न आपको क्षणिक या बोले तो सेकेंडों में करने के लिए सिखाया जाएगा। तो आज आपका रीजनिंग का पहला चैप्टर जो बताया जा रहा है वो डाइस है। डाइस आप लोग इसके बारे में जानते हैं, हालांकि ये नाम से नहीं पता चल रहा होगा कि डाइस है क्या। आप उसका यूज बच्चों में बहुत किए होंगे, गर्मी के दिनों में घरों के पास कहीं बैठकर या छांव कहीं में या पेड़ के नीचे बैठकर आप इसका खेल आनंद पूर्वक उठाए होंगे और इस पे बच्चा ना जाने क्या क्या तरह किस तरह से खेलता है। तो यानी पासा, जिसको आप लोग लेडो छक्का बोलते हैं, उसमें इसका यूज होता है। यानी उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाइस। यानी बोला जाए तो आपको मुख्य रूप से डाइस जो होता है 3 तरह का होता है। कई तरह का, 3 तरह का। लेकिन आपसे हम पूछेंगे, बताइए जो आप यूज करते थे वह कौन सा डाइस है, तो शायद आपको पता भी होगा और नहीं भी पता चल सकता है, क्योंकि डाइस का आपको प्रकार ही नहीं मालूम था। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको डाइस का प्रकार बताएंगे कि डाइस कितने तरह का होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले, आप लोग यहाँ रीजनिंग चैप्टर है, आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आपको चैप्टर की ओर ले चलते बिना समय गवाए हुए। चलिए देखिएगा दोस्तों, आपको डाइस जो होता है 3 प्रकार के। पहला बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा हो गया जनरल डाइस और तीसरा हो गया ओपन डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा, जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा, ओपन डाइस मतलब खुला पासा। बस यही 3 पासा के बारे में आज जानकारी लेंगे और अगले क्लास में इस पर संबंधित प्रश्न कैसा कैसा रहता है जो हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मानक पासा जानते हैं। तो आप लोग को पासा देखे होंगे कैसा रहता है, यानी हम यहाँ पर सबसे पहले पासा का आकार बना देते हैं। तो कहिएगा पासा जो होता है 6 फलकीय होता है। कई फलकीय? 6 की 8 फलकीय। कई फलकीय? तो कहिएगा पासा होता है 6 फलकीय। तो आपको यहां पता चला कि जब आपको षष्ठकोण बनाने आता होगा तो पासा भी आप बना लीजिएगा। देखिए ये पासा बन गया। तो पहले हम बारी बारी से समझेंगे मानक पासा, समान पासा और खुला पासा। तो सबसे पहले हम मानक पासा के बारे में जानते हैं। इसी का यूज आप लोग जिसको लीडो छक्का बोलते हैं उसी में करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि मानक पासा किसे कहते हैं। तो मानक पासा का डिफिनेशन होता है अगल बगल और आमने सामने। आमने सामने को आप लोग बोलते हैं सीमांते। बस वही यहां समझना है क्या चीज, आमने सामने। पहले लिख रहे हैं हम अगल और क्या चीज, बगल। अगल बगल और दूसरा बात क्या लिख रहे हैं, आमने सामने। यानी क्या लिखे, आमने और सामने। तो आप कहिएगा अगल बगल समझ में आया। जैसे सपोज कीजिए कि आपको ये क्या है, पासा है। तो आपको बोले आमने सामने, क्या बोले, आमने सामने। तो ये आपको सामने दिख रहा है फेस, ये होगा इसका आमने और इसका सामने इसका क्या हुआ, पीछे। इसी को आप लोग क्या कहते हैं बोलचाल की वाचा में, सीमांते। ये तो समझ में आ गया आमने सामने। और एक होता है अगल बगल। यानी अगल बगल बोले तो इसका अगल ये भी हो सकता है। देखिए इसका अगल ये भी हो सकता है या इसका अगल ये भी हो सकता है या इसका अगल ये भी हो सकता है और इसका अगल ये भी हो सकता है। यानी बोला जाए तो उसका सिर्फ सीमांते वाला छोड़ के बाकी सब क्या होता है, अगल बगल होता है। सिर्फ सीमांते वाला, जैसे आपको ये दिख रहा है, इसको छोड़ के सब क्या होता है, इसका अगल बगल। यानी बोले तो आपको पासा पर कितने अंक लिखा मिलता है, 1 2 3 4 5 6। आप जब खेलते होंगे बच्चों में, अगर आपको एक आता होगा तो आप नाराज हो जाते होंगे। अगर 6 मतलब बोला जाए तो पासे पे 6 आ जाता तो आप बहुत खुश होते थे। अगर मान लिया 2 बार 6 आ गया तो और खुश होते थे, लेकिन 3 बार आता था तो पता है क्या होता था। तो चलिए देखिए, पहले हम आपको बता रहे हैं कि पासा पर जो अंक रहता है, डिजिट रहता है, वो आपको देखने को मिलता है 1 2 3 4 5 6। या तो आपको अंक में दिखे या तो आपको कोई संकेतिक भाषा में रहता है जो डॉट डॉट करके लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों अभी बता रहे हैं मानक पासा किसे कहते हैं। तो हम बोले अगल बगल, अगल बगल के फलकों का योग। क्या बोल रहे हैं, अगल बगल के फलकों का योग अगर 7। क्या बोल रहे हैं, अगल बगल के फलकों का योग
अगर अगल बगल के फलकों का योग सात नहीं हो और आमने सामने फलकों का योग सात हो तो उसे हम कौन पासा कहते हैं? मानक पासा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा डिफिनेशन, मानक पासा किसे कहते हैं? यानी बोले अगल बगल के फलकों का योग सात नहीं हो या आमने सामने के फलकों का योग सात हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। यानी मानक पासा बोला जाए तो क्या बोले? अगल बगल के फलकों का योग सात नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे हम यहां पर लिख दिए दो और यहां लिख दिए चार और यहां लिख दिए, मान लिया जाए आपको बोल दिया जाए एक लिख दिए, कितना लिख दिए एक। तो आप यहां देखिएगा आपको पासा का कितना फलक दिख रहा है? तीन फलक और छह फलक छिपा हुआ है। यानी एक इसके नीचे, एक चार के सामने और एक एक के सामने, यानी तीन फलक आपको छिपा हुआ रहता है। और आपसे अपोजिट अंक पूछता है कि चार के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा, तो आप ऐसा ऐसा प्रश्न को एक सेकंड में बताइएगा। तो अभी हम बताएं कि इसका अगल बगल के फलकों का योग सात नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए चार दो छः, यहां से भी नहीं हुआ, दो और तीन नहीं हुआ, चार एक पांच नहीं हुआ। यानी जो फलक दिख रहा है उसी में से आपको सात नहीं होना चाहिए। क्या दिख रहा है जो? तो सात हो रहा है, नहीं तो यानी कौन पासा हो गया? मानक पासा। तो आपसे सिर्फ इसमें पूछेगा बताओ दो का अपोजिट कितना होगा, आपसे ही पूछेगा। आपसे पूछेगा बताओ चार के अपोजिट कितना होगा, आपसे पूछेगा एक के अपोजिट कितना होगा। तो ऐसा प्रश्न को आप एक सेकेंड में बनाइएगा, अपोजिट वाले प्रश्न को। अभी हम बताए कि इसका आमने सामने के फलकों का योग कितना होता है? सात। तो जैसे दो दिख रहा है तो इसके नीचे वाला जो फलक दोनों मिला के कितना होगा? सात। तो दो दिख रहा है तो इसके विपरीत साइड में कितना हो सकता है? तो आप कहिएगा पांच। आपको चार दिख रहा है, अभी बताया आमने सामने फलकों का योग सात, तो चार के विपरीत में क्या होगा? तो कहिएगा चार और तीन सात होता है। एक दिख रहा है उसके विपरीत में क्या होगा? छह। तो छह एक सात, यानी आपको पता चला कि दो के अपोजिट पांच और चार के अपोजिट तीन और एक के अपोजिट सिक्स। क्या पता चला? यानी ये डाइस था स्टैंडर्ड डाइस और आपको सिर्फ वहां अपोजिट ही बताना रहता है। तो हमें नहीं लगता है कि आप स्टैंडर्ड डाइस समझ गए। मानक पासा यानी विपरीत क्रम का अंक पूछेगा, बता दीजिएगा। चलिए तो हम उम्मीद करते कि आपको ये स्टैंडर्ड डाइस पासा समझ में आया होगा। तो हम आपको ले चलते हैं दूसरा, यानी बोला जाए तो कौन डाइस? जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में क्या होता है? जस्ट इसी का क्या हो जाता है? अपोजिट। यानी बोला जाए इसमें तो अगल बगल, क्या चीज बोल रहे हैं? अगल और क्या चीज? बगल। अगल बगल के फलकों का योग कितना हो जाए? सात हो जाए। और क्या बोल रहे हैं? आमने सामने। क्या बोले हम? आमने सामने, आमने सामने के फलकों का योग सात क्या हो? नहीं हो, तो उसे हम कौन पासा कहते हैं? जनरल पासा। तो आप पहचानिएगा कैसे कि कौन जनरल पासा और कौन स्टैंडर्ड पासा है? तो एक बात याद रखिएगा, वैसे भी स्टैंडर्ड आदमी का पहचान स्टैंडर्ड होता है। पता है स्टैंडर्ड आदमी कभी ताक झाक करता है? नहीं, वो सीधा चलता है। यानी कहा जाए तो स्टैंडर्ड जो है एकदम स्टैंडर्ड पासा सीधा, सीधा बोले तो इस तरफ और उस तरफ का योग कितना हो जाता है? सात। और इसमें देखिए तो आमने सामने का योग सात होता है? नहीं, जनरल क्या करता है? चकर पकड़ करता है। यानी बोला जाए ये पासा का गुण पता चला जनरल का कि वैसा पासा जिसके अगल बगल के फलकों का योग सात हो जाए और आमने सामने का फलकों का योग सात ना हो उसे हम कौन पासा कहते हैं? जनरल पासा। तो देखिएगा इस प्रश्न जो जनरल पासा बनाने का आता है इसमें आपको कम से कम दो पासा पूछ रहेगा। कितना पासा रहेगा? दो पासा। इसमें सिर्फ एक पासा से उठा लेता है, दो पासा भी रह सकता है, लेकिन जनरल पासा में कम से कम कितना होना चाहिए? दो, और दो से अधिक भी हो सकता है। तो देखिएगा इसका इसको किस ढंग से पूछता है, हम अभी इसको मिटा देते हैं। अभी आपको बता रहे कौन सा पासा? जनरल पासा। चलिए लिख देते हैं जनरल पासा, यानी बोले तो जनरल डाइस, यानी हो गया इसका हिंदी क्या चीज? सामान्य पासा। क्या हुआ? सामान्य पासा। तो अभी इसका डिफिनेशन आपको क्या बताया गया? अगल बगल के फलकों का योग सात हो और बोले आमने सामने
आमने सामने का फलकों का योग क्या हो, सात ना हो, तो उसे हम कौन पासा कहते हैं, जनरल पासा, यानी जनरल डाइस बोले समान पासा। अब हम आपको बार बार बता रहे हैं जो जनरल डाइस से प्रश्न रहेगा उसमें कम से कम दो पासा रहेगा, तो दो पासा हम बना लेते हैं, आपको देखिएगा दो पासा। चलिए षष्ठकोण तो आपको बनाने के लिए आता ही होगा, बस बीच में सिर्फ क्या लिख देते हैं भाई, आपको हम यहां लिख दिए दो, यहां लिख दिए तीन और यहां लिख दिए एक, कितना लिख दिए एक, और यहां आपको हम लिख दिए पांच, यहां लिख दिए एक और यहां लिख दिए चार। आपको पता चल रहा है, सॉरी यहां लिख दिए क्या चीज दो, यानी आपको पता चल रहा है कि अगल बगल का योग सात होना चाहिए, अगल बगल का योग क्या होना चाहिए सात। तो आप देखिएगा अगल बगल का योग हम जोड़ रहे हैं तो क्या सात हो रहा है, नहीं। अब देखिएगा क्या हो रहा है सात, तो कहिएगा नहीं, यहां पर हो रहा है नहीं, यहां पर हो रहा है नहीं, तो आप कहिएगा ये तो सात हुआ ही नहीं, तो अभी हम यहां बना देते हैं पांच। तो आप देखिए तो ये दोनों जो है जनरल पासा का ही गुण दर्शाता है, यानी कहा जाए क्वेश्चन में आपको दो या तीन या चार कितना ही पासा दे दे, आपको एक का गुण पता कर लीजिएगा तो यानी सारा का गुण पता चल जाएगा। जिस तरह से तसले में सिर्फ एक चावल को चेक किया जाता है कि सीझा या नहीं, उसी तरह से आप एक जनरल पासा को यूज करके बता सकते हैं ये जो दिया गया डाइस है वो जनरल है या स्टैंडर्ड। तो आपको यहां लग रहा होगा कि अगल बगल के जोड़ते हैं साथ होता है, आपको इसमें नहीं पता चला, लेकिन इसमें जोड़ते हैं पांच दो सात हो गया, तो यानी ये जो दिया गया डाइस जो है कौन सा है, जनरल डाइस। इसमें भी आपको अपोजिट पूछेगा, तो याद रखिएगा इसमें अपोजिट पूछेगा। आपको सबसे पहले कॉमन अंक चुनना है, क्या चुनना है कॉमन अंक, यानी बोले तो इसमें कॉमन देखना है कि दोनों पासा पर कौन सा अंक समान मिल रहा है। जो समान मिलेगा वहां पकड़ के घड़ी की दिशा में क्या करना है, घुरा देना, यानी बोले तो क्लॉकवाइज में क्या करना है, उसको घुरा देना। अगर एक गो मिलेगा तो थोड़ा दिक्कत, और दो गो मिलेगा तो और बड़ी अच्छा बात है। जैसे यहां देखिए सिर्फ एक कॉमन मिल रहा है, दो दो, तो जहां कॉमन मिल रहा है उसको पकड़ लीजिए और इस तरह से करके क्या कीजिए, घुरा दीजिए, यानी दो तीन एक, घूरेगा तो ही होगा दो तीन एक। अब आपको इसी तरह से इसको भी घुमा दीजिए, यानी घुमाइएगा दो चार, उसके बाद क्या पता चला आपको, चार के बाद कितना लिखिएगा पांच। तो ये तो बात पता चला आपको, आपको ये बात पता चल गया कि तीन के अपोजिट कितना हो गया चार। आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि तीन के अपोजिट कितना हो गया आपको चार। आप कहिएगा एक के अपोजिट कितना हो गया, तो आप कहिएगा पांच। तो तीन का चार समझ में आ रहा है और पांच का अपोजिट एक। आपसे हम पूछेंगे बताइए तो जरा, तीन एक हो गया, आपसे हम पूछेंगे दो का अपोजिट बताइए तो क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है दो का अपोजिट क्या होगा। तो आपको देखिए तीन दिखिए रहा है, चार दिखिए रहा है, पांच दिखिए रहा है, एक दिखिए रहा है, यानी एक पासा में टोटल कई गो घटना रहता है, सिक्स गो, यानी बोले छह गो। तो एक दो तीन चार पांच दिख रहा है, छठा कौन बच रहा होगा आप ही बताइए। तो आप कहिएगा तीन तो दिख रहा, पहले एक तो दिख रहा है नहीं होगा, दो तो है ये बताइए, एक पासा पर जब ऊपर दो है तो नीचे दो होगा नहीं, तो दो नहीं होगा। तीन जो है चार का अपोजिट है, नहीं होगा, तीन हो गया चार जो है नहीं होगा, पांच जो है नहीं होगा, तो होगा कौन, तो आप कहिएगा सिक्स हो जाएगा। तो बोला जाए दो का अपोजिट कौन हो जाएगा छह, दो का अपोजिट कौन हो जाएगा छह। तो आपको पता चल गया तीन के चार, एक के पांच और दो के छह, क्या आपको पता चल रहा है ऐसा प्रश्न, अपोजिट वाला, सिर्फ अपोजिट ही पूछता है कि क्या होगा। इस तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनाता होगा, कभी गेंद लिख देता होगा सफेद ब्लू नीला, और कभी अंक लिख देता होगा वाई रेड, यानी कलर का सांकेतिक भाषा लिख देता होगा और आपसे पूछता होगा। तो हमें समझ में आया होगा कि जनरल डाइस में आप लोग सिर्फ कॉमन देखना, तो अभी आप देखे क्या कॉमन था, सिर्फ एक कॉमन था, क्या कॉमन था एक। अगर बोला जाए दुद्दू को कॉमन मिल जाए, कह कह को दुद्दू को, तब आप क्या कीजिएगा, देखिए जैसे सपोज किया यहां तीन हो जाए, कितना हो जाए तीन, तो सबसे पहले आपको यहां चेक करना होगा कि क्या दिया गया डाइस जो है क्या जनरल डाइस है। तो आप कहिएगा चेक करेंगे तब तो पता चलेगा, यानी इसका अगल बगल के फलकों का जो कितना होना चाहिए सात होना चाहिए।
तो देखिए, तो यहां जोड़ते हैं तीन दो पांच, नहीं दो एक तीन, नहीं तीन एक चार, नहीं इससे नहीं पता चला। अब इससे देखते हैं, तीन दो पांच अभी तक नहीं, पांच दो सात, हाँ पता चल गया। यानी पता चल गया तो अगल बगल कितना हो गया, सात, यही तो देखना है। तो यानी जब पता चल गया, और हम बोले थे कि जब एक कॉमन रहेगा तो थोड़ा अच्छा बात है, लेकिन दो गो रहेगा तो और अच्छा बात है। तो और अच्छा कहने का मतलब जहां कॉमन मिलेगा वहां पर पकड़ के क्या कीजिए, घुरा दीजिए। तो जैसे हमें दो यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, घुरा देंगे। यहां से भी क्या करेंगे, घुरा देंगे। दो तीन कॉमन है तो दो तीन एक, यहां पर भी लिख देंगे दो तीन पांच। तो आपको इतना समझ में आया इतना से कि एक के अपोजिट कितना होगा, एक के अपोजिट कितना होगा, पांच। एक के अपोजिट कितना होगा, पांच। अब आपसे बोला जाएगा इसी पासा में बताओ दो के अपोजिट कितना होगा, तीन के अपोजिट कितना होगा। तो आप कहिएगा कि एक के अपोजिट तो पांच हो गया, अब दो के अपोजिट की बात करेंगे तो क्या होगा। तो देखिएगा ऐसा प्रश्न को बिल्कुल आसान से बनाते हैं, यानी दो का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। तो एक तो नहीं होगा, पांच तो नहीं होगा, अब विचार करना है किसमें, तीन में, और किसमें, चार में, और किसमें, पांच में, सॉरी पांच तो हो गया, विचार करना है किसमें, छह में। तो बोला जाए दो के अपोजिट, अब बताइए जो पासा दिख रहा है, दो दिख रहा है और तीन भी दिख रहा है, कभी अपोजिट होगा आपस में दो तीन का, यानी बोले तीन नहीं होगा। अब विचार करें चार और किसका, छह का, चार और किसका, छह का विचार करते हैं। तो इधर दो है, अगर हम छह ले लेते, अपोजिट माने योग कितना होना चाहिए, अपोजिट माने योग कितना होना चाहिए, सात नहीं होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि अगर हम दो का अपोजिट चार ले लेते हैं, या कितना ले लेते हैं, छह, तो यानी दो का अपोजिट या तो चार होगा या तो छह होगा। अगर आप दो के अपोजिट में चार लेंगे तो फिर तीन के अपोजिट में क्या बचेगा, छह। अगर आप दो के अपोजिट में छह लीजिएगा तो तीन के अपोजिट में क्या हो जाएगा, चार। यानी ये दोनों में आप कह नहीं सकते 100 to 10% कि चारे हो जाएगा कि छवे हो जाएगा, आप पर निर्भर करता है या एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि वह क्या सेटिंग करके दिया। तो ऐसा प्रश्न में आपको दोनों ऑप्शन रहेगा, चार या छह, ऑप्शन इस तरह से करके बनाएगा, चार या छ, चार या छह, किसका अपोजिट, दो का या तीन का। तो हमें लगता है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसी तरह से एक होता है ओपन डाइस, जनरल डाइस आप समझ गए, जनरल डाइस आप समझ गए। इसी तरह से अगला जो तीसरा है वह कौन सा डाइस है, यानी बोले तो वो डाइस है ओपन डाइस। ओपन डाइस कौन सा डाइस, ओपन डाइस। अब ओपन डाइस का मतलब क्या हुआ, खुला पासा। कौन पासा, खुला पासा, यानी ये खुला रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा। तो बिखरा हुआ, पहले सबसे पहले हम इसको आपको डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिएगा ओपन डाइस इस तरह से आपको रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, डाइस है खुला हुआ है, एक दो तीन चार पांच छह, बताए थे छह फलक होता है डाइस में, इसको सिर्फ खोल दिए हैं। अब नाम दे देते हैं, कुछ भी लिख दिए, एक तीन पांच चार दो तीन, इस ढंग से लिख दिए हैं। और आपको बस वही चीज बताना है, अपोजिट अंक बताना है कि एक के अपोजिट कितना, दो के अपोजिट कितना, तीन के अपोजिट कितना। और तो इसमें कोई डिफिनेशन नहीं है, इसमें कोई डिफिनेशन नहीं है, सिर्फ इसमें अल्टरनेट देखना है। क्या देखना है, अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट पर हम आप इसका जवाब देंगे कि अल्टरनेट पर कैसे बताया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम आपको इसका अल्टरनेट पर जवाब देकर कि कैसा है। यानी बोले अल्टरनेट तो एक एक छोड़ कर लेना है, क्या करना है, एक एक छोड़ कर लेना है। यानी अगर हम एक का अल्टरनेट पांच लेते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि एजा से जा जाने में चल जाएंगे तो कोना कोनी तो जा सकते हैं, ये अल्टरनेट नहीं हुआ। तीन का हम पांच नहीं ले सकते, ये अल्टरनेट नहीं हुआ। तीन का हम पांच नहीं ले सकते, ये अल्टरनेट नहीं हुआ। तो यानी कहा जाए ना तो आप कोना कोनी अल्टरनेट ले सकते हैं और ना ही सटले में ले सकते, ये सब अल्टरनेट नहीं चलेगा। तो चलेगा कौन अल्टरनेट बताइए तो जरा। तो देखिएगा दोस्तों ये अल्टरनेट चलेगा, अगर हम यहां लिख दें बोले तीन, क्या बोले तीन, तो तीन का अपोजिट अल्टरनेट, तीन का कितना, चार, लिख सकते हैं तीन का चार। तो हम कहेंगे तीन का अपोजिट चार होगा, पांच का अल्टरनेट दो है, पांच का अल्टरनेट कितना, दो है, तो लिख दें कितना, दो। और एक का अल्टरनेट तीन है तो कहिएगा हाँ एक के अल्टरनेट तीन है।
अल्टरनेट कहे के मतलब आपको कोना कोनी नहीं जाना है और सटले में नहीं जाना है, तब आपका क्या हो जाएगा अपोजिट। तो यहां पूछेगा पांच के अपोजिट तो बताइएगा दो, एक का अपोजिट तीन, तीन का अपोजिट चार, कुछ भी पूछेगा बता दीजिएगा। तो हमें लगता है कि आपको डाइस में तीनों प्रकार के डाइस आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के रूप में बताया गया, और इसके अगला क्लास जो आने वाला है डाइस का वो बहुत मजा आएगा सेशन में, उसमें ढेर सारा प्रश्न को आपको कराया जाएगा, एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन जो रहेगा सारा कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आप इसका अगला पार्ट देखते हैं नेक्स्ट दिन। तो आपको हमें लगता होगा कि वीडियो में शायद मजा आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।